नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं साला दर्पण रिजल्ट अपडेट के बारे में। तो रिजल्ट अपडेट में जो समस्याएं आ रही है उनके बारे में हम एक एक करके आपसे बात करने वाले हैं। सबसे पहली समस्या यहाँ है ग्रीन शीट में अंकों का योग शो नहीं होना। दूसरी समस्या यहाँ है क्लास वाइज रिजल्ट टेब जो अभी जारी हुआ है उसको हम कैसे काम में लें, रोल नंबर नहीं दिखाई देना या फिर स्टूडेंट का कम और ज़्यादा होना। तो सबसे पहले जो लास्ट वाली समस्या है उसका निराकरण हम आपको बता देते हैं। यदि स्टूडेंट्स का कम या ज़्यादा होना आपको शो कर रहा है तो आप जो डाटा है अपने स्माइल 3 के उनको आप रीसेट करें और जितने स्टूडेंट्स आपके प्रेजेंट टाइम में हैं यदि नाम पृथक कर दिए गए हैं तो वो स्टूडेंट्स आपके अलग होके सही स्टूडेंट आपके से हो जाएंगे। दूसरी बात, रोल नंबर जो मार्कशीट है उसमें रोल नंबर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो ये भी एक कॉमन समस्या है। ग्रीन शीट में रोल नंबर अपडेट करने के बाद में दिखाई दे जाते हैं। उसके बाद में क्लास वाइज जो रिजल्ट टेब है उसका उपयोग हम किस प्रकार करेंगे, तो उसके लिए जैसे ही हम क्लास वाइज जो रिजल्ट टेब है स्माइल 3 में ग्रीन शीट के आगे वहाँ क्लिक करेंगे, वहाँ हमको जो डिटेल है वो फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद में हम गो बटन पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस जिस भी क्लास के लिए हम चूज करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर जो बालक है यदि वो प्रमोट हो गया है तो उसके आगे प्रमोटी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। यदि प्रमोट नहीं हुआ है तो आपको बालकों की संख्या से हो जाएगी। उसके बाद में ग्रीन शीट है उसमें अंकों का योग यदि से नहीं हो रहा है तो इसके लिए हम चलते हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे। जैसा कि आप आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन पे, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो गूगल क्रोम का मेन डेस्कटॉप यहाँ आपके सामने शो हो रहा है। यहाँ हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करके आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ हम पहले से लॉगिन है तो यहाँ देखिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जो हमारा रिजल्ट सेक्शन है उसमें जो ग्रीन शीट है वो तो आपने निकाल ली होगी, नहीं निकाली तो जो स्माइल 3 टेब है वहाँ आप जाएंगे और तो यहाँ आप जनरेट एंड प्रिंट मार्कशीट पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको क्लास चूज करनी होगी, क्लास चूज करने के पश्चात सेक्शन यहाँ चूज कर लेंगे और यदि आप स्टूडेंट्स को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो जनरेट रिजल्ट है वहाँ से आप देख सकते हैं। जो प्रिंट है वो ड्राफ्ट का आपको नहीं लेना है, ये हमने पुराने वीडियो में बताया था। यहाँ से आप वेरीफाई रिजल्ट करेंगे, रिजल्ट वेरीफाई करने के लिए या तो आप एक एक स्टूडेंट का यहाँ से कर लें और यहाँ फिर वेरीफाई आल रिजल्ट एक साथ भी कर सकते हैं। उसके बाद में एक समस्या और आ रही थी उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम सिलेक्ट कर लेते हैं कक्षा 7, क्योंकि कक्षा 7 में जो समस्या है वो हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। यदि इस प्रकार की समस्या आपको आए तो आप यहाँ उसका समाधान कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए जो इंटरफेस आपको दिख रहा है यहाँ हमने केवल एक ही स्टूडेंट का रिजल्ट है वो वेरीफाई तो अभी कोई सा भी नहीं कर रखा, तो एक ही स्टूडेंट का रिजल्ट जनरेट है बाकी का रिजल्ट जनरेट नहीं है। तो इससे क्या समस्या आने वाली है, यहाँ हम जैसे ही ग्रीन शीट है वो जनरेट करेंगे तो उसमें हमको क्या दिखाई नहीं देगा वो देखिए। तो यहाँ पर देखिए जो टोटल मार्क्स है वो आपको शो नहीं होंगे यदि आप इसको जनरेट नहीं करोगे। तो यहाँ मैं जो दूसरा स्टूडेंट है उसका जनरेट करके आपको दिखाता हूँ। जैसे ही हम रिजल्ट को जनरेट कर लेते हैं
तो उसके बाद में जो ग्रीन शीट है उसमें टोटल यहाँ मार्क्स शो होने लगते हैं। ये देखिए अभी 2 नंबर का मैंने रिजल्ट जनरेट किया है, तो ये टोटल मार्क्स यहाँ शो कर रहा है और इसका तीसरे का नहीं किया है तो इसका शो नहीं कर रहा, तो आप ये चीज़ भी ध्यान रखें। उसके बाद में सारों का रिजल्ट जनरेट करके आप वेरीफाई कर दें। जो एक नया टैब जुड़ा है उसकी बात हम कर लेते हैं। जो क्लास वाइज रिजल्ट का टैब हमारे पास यहाँ जुड़ा है, तो इसमें हम सबसे पहले क्लास सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ हमको जो रिजल्ट है वो नो रिकॉर्ड फाउंड बताएगा, क्योंकि हमने अभी तक एक भी स्टूडेंट का जो रिजल्ट है वो वेरीफाई नहीं किया है। तो पहले आप जो रिजल्ट है उसको वेरीफाई करें, उसके बाद में यहाँ क्लास वाइज रिजल्ट है वो आपको शो कर देगा। तो ये वीडियो है, इसमें इन समस्याओं का समाधान हमारे द्वारा आपको बताया गया। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें, साथियों के साथ शेयर करें, क्योंकि अभी रिजल्ट संबंधी जो समस्याएं हैं वो प्रजेंट 1 या 2 दिनों में फेस की जा रही है शाला दर्पण प्रभारियों के द्वारा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।